नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूँ सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की खबर से। कार्यवाहक सीएम धामी को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रितु खंडूरी को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो बता दें आपको कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उसके पहले कार्यवाहक सीएम को यानी कि सीएम धामी को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी दिल्ली बुलाया गया है। संभवतः कल नामों का ऐलान हो सकता है कि किसे सीएम बनाया जाएगा और किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन सीएम ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में भ्रमण किया। वहीं दूसरी ओर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी से मिलने और बधाई देने के लिए आम लोगों का तांता उमड़ पड़ा। सैकड़ों की तादाद में लोग गोरखनाथ मंदिर में होली का जश्न मनाने पहुँचे, सीएम को बधाई दी और सभी से मिलकर सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम का बच्चों के प्रति प्यार देखते ही बन रहा था और बच्चों ने भी सीएम के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रिपीट होते ही सपा नेताओं पर एक्शन भी शुरू हो चुका है और यूपी पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले सपा के नेताओं के गरेबान पर हाथ डालने से नहीं कतरा रही है। ऐसा ही एक मामला बस्ती जनपद में उस वक्त देखने को मिला जब एक दो नहीं बल्कि 8 थानों की फोर्स सपा के सदर सीट से चुने गए विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के घर छापा मारने पहुंची। भारी संख्या में फोर्स के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सपा विधायक महेंद्र यादव पर यह आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राम कुमार का अपहरण किया है और इस मामले में पुलिस ने कलवारी थाने में पहले सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर बंधक ब्लॉक प्रमुख को बरामद करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। सपा विधायक के घर प्रमुख राम कुमार की लोकेशन मिली और जिसके बाद तत्काल फोर्स उन्हें मुक्त कराने के लिए वहां पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही सपा विधायक ने दरवाजा बंद कर लिया, जिसके बाद काफी देर तक पुलिस मूकदर्शक बनी रही और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए मजबूर होकर सपा विधायक महेंद्र यादव को बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख राम कुमार को पुलिस को सौंपने के लिए मजबूर किया और उन्होंने आखिरकार उन्हें सौंपा। उनके ब्लॉक प्रमुख राम कुमार और उनके पूरे परिवार को कई महीनों से बंधक बनाया था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने रात में कार्रवाई की है, उनके घर से निकाला है और अपहरण का एफआईआर किया है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ और आम जनमानस के खिलाफ गतिविधियां चलाई गई हैं, जिला प्रशासन की गाड़ियों को रोक करके चेक किया गया है, जिला अधिकारी एसडीएम और अन्य चुनाव में जुड़े हुए संबंधित तमाम अधिकारियों का, निश्चित रूप से ये कानून की धज्जी उड़ाने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई कर भी रहा है। आने वाले समय में ऐसे कोई भी दोषी बचने नहीं चाहिए, इस प्रकार की मैं मांग करता हूं। बहादुरपुर के ब्लॉक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में 4 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। अपने 3 दिवसीय प्रवास में संघ प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक लेंगे। 22 मार्च को संघ प्रमुख स्वयंसेवकों के परिवार को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 22 मार्च मंगलवार की शाम 5 बजे गुरु गंभीरनाथ पेशागृह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर महानगर के द्वारा कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय माधवधाम में संघ की बैठक आयोजित होगी। बता दें कि पूरे देश में नियमित रूप से सर संघ चालक मोहन भागवत का प्रवास होता रहता है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलने के बाद से अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। पुलिस का खौफ उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सहारनपुर जनपद के चिलकाना थाने में 13 हिस्ट्री शीटर अपराधियों के आत्मसमर्पण करने के बाद थाने में भी 8 हिस्ट्री शीटरों ने पहुंचकर भविष्य में अपराध नहीं करने की कसम खाई है। SSP आकाश तोमर ने बताया कि दोपहर के वक्त थाने के 8 हिस्ट्री शीटर थाने में हाथ जोड़कर थाने पहुंचे थे और उन्होंने अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपराध नहीं करने की कसम खाई है। आजमगढ़ जिले में कपड़ा फाड़ होली को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। जिले के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर में हुए इस विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर दो सिपाहियों को भेजा गया, जहां दो पक्ष आपस में मारपीट और गाली गलौज कर रहे थे। मौके पर पहुंचे दो सिपाही संदीप और इंद्रजीत ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो एक पक्ष उग्र हो गया और सिपाहियों पर ही उल्टे हमला बोलते हुए पथराव कर दिया। हमले में दोनों सिपाहियों को चोट लगी है। सिपाहियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ग्राम सलेमपुर में पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्ष आपस में गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर चौकी के दो सिपाही संदीप और इंद्रजीत तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामला सुलझाने का प्रयास किया और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, परंतु एक पक्ष उसमें से आक्रामक हो गया और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें कांस्टेबल संदीप और इंद्रजीत को चोटें आई हैं। इसके उपरांत बाकी पुलिस बल जब पहुंचा है तो कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद भी चर्चा में हैं। सुबह एक तस्वीर में ओम प्रकाश राजभर को इस तस्वीर ने फिर से एक बार चर्चा में ला दिया था। दरअसल इस तस्वीर में बताया गया कि ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है और वो जल्दी ही BJP के साथ जा सकते हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने से लेकर उनके बेटे को मंत्री तक बनाए जाने की चर्चाएँ खूब दिन भर चलती रही और कुछ ही घंटों के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इन खबरों को अफवाह बताया, इसका खंडन किया और कहा कि वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है और अभी से 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 के चुनाव में बयानों को लेकर चर्चा में रहे ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि वो अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है इसको जानेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से साथ हमारे मौजूद हैं। सर, कितनी सच्चाई है कि आपकी मुलाकात हुई, कितनी चर्चा है इस बात को लेकर? ये जो चर्चा है ये निराधार है, ये फेक न्यूज है और ना मैं किसी से मिला हूँ और मैं समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के साथ हूँ और हम लोग 24 की तैयारी में लगे हैं। अभी सामने स्थानीय निकाय चुनाव नामिनेशन हो रहे हैं 21 तारीख से। नामिनेशन में प्रत्याशियों के साथ हम लोग हैं और 28 को हमारा उनका खुद का कार्यक्रम लगा हुआ है। विधानमंडल की बैठक के लिए कोई चर्चा आएगी, 25 तारीख को उनकी बैठक होनी है, क्या उसमें सुभाषपा के जो विधायक हैं वो भी शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी की बैठक होने जा रही है? नहीं, वो समाजवादी पार्टी की बैठक है, मोर्चे की बैठक नहीं है। हमने चर्चा किया था तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, हम लोग आगे चल करके और 2-3 दिन बाद ज्वाइंट मीटिंग करेंगे। तो आपने तो सिरे से नकार दिया कि अमित शाह से कोई मीटिंग नहीं हुई, क्या दिल्ली जाना हुआ, कोई बातचीत आपकी कहीं, कुछ फोन पे कहीं कुछ चर्चा? दिल्ली गए महाराज, हमको हो गया होगा कम से कम 2 साल, 1-2 दिन नहीं 2 साल हम दिल्ली जेबा नहीं करते और कोई काम ही नहीं है दिल्ली जाने का, तो क्या करें। तो मतलब पूरी तरह से निराधार खबरें हैं ये सब? खबर निराधार है, कोई ऐसी बात नहीं। आगे की क्या रणनीति? MLC का चुनाव है, फिर पार्षदी का निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद 2024 है स्थानीय निकाय चुनाव। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं, जगह जगह घोषणा हो गई है, उसमें हम लोग प्रचार प्रसार में लग गए हैं, अपने नेताओं को लगा दिए हैं और जो आने वाला जो है चुनाव लोकसभा का उसकी तैयारी में हम लोग हैं। बड़े पैमाने पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की तैयारी में। राष्ट्रीय स्तर का मतलब हो गया 2024 की तैयारी है, किस तरह का गठबंधन है ये, क्या किस तरह के नेताओं से बातचीत हुई? अभी बातचीत नहीं हुई, बातचीत लोग कर रहे हैं, जैसे ममता जी भी चाहती हैं एक गठजोड़ बने, कांग्रेस भी चाहती है, केजरीवाल जी भी चाहते हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार भी चाहते हैं, सब नेता चाहते हैं, तो सब लोग मिल करके लड़ा जाए, क्या दिक्कत है। 2022 के चुनाव बीते हैं, अभी
क्या लगता है क्या वजह रही, कहां चूक हुई जो सत्ता से दूर हो गए फिर एक बार? उसकी समीक्षा हो रही है विधानसभा वार, समीक्षा हो जाती है, रिपोर्ट आ जाएगी तो आप लोगों को बता देंगे कहां चूक है। तो फिलहाल अभी 2024 की तैयारी है, और जो एक और गहमागहमी है इस बीच के विधानमंडल का नेता कौन होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इसको लेकर क्या चर्चा हुई अभी अखिलेश यादव के साथ? उस पर हमारा हक नहीं है चर्चा करने का, उनकी पार्टी का विषय है, वो अपनी पार्टी के जिसको तय कर देंगे, उनका विषय हमारा विषय नहीं है। संगठन में भी कोई बदलाव आपको लगता है कि आपके हैं या समाजवादी पार्टी में कुछ दिखता है क्या बदलाव? नहीं, बदलाव कोई नहीं है। तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तैयारी पूर्णतः 24 पे है और अखिलेश यादव के साथ है 100%। देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर के साथ तौर पे कहना है कि कोई जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कोई भी खबर की पुष्टि नहीं करते ये, और इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही दिल्ली गए फिलहाल, और आगे की रणनीति को लेकर पार्टी और जो संयुक्त दल है उनके साथ बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी कितना बेहतर कर पाती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर कदवई, जनता टीवी लखनऊ। और बात करते हैं होली की। पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से होली मनवाने के बाद आज पुलिस वालों ने भी जमकर होली खेली है। पुलिसकर्मी हमारी होली को सकुशल मनाने के लिए अपने त्यौहार को छोड़कर लगातार सुरक्षा में जुटे रहे थे, और अब आज उन्होंने ये होली मनाई है। पुलिस के इन जवानों ने जमकर होली खेली है। आगरा, रायबरेली, कन्नौज, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ की ये तस्वीरें जहाँ पर अबीर गुलाल और फिल्मी गीतों पर जमकर होली खेली। यहाँ पुलिस परिवार के साथ और सभी अधिकारियों के साथ होली मनाई जा रही है, और इसमें सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे होली का आनंद ले रहे हैं। और जैसा कि कल जो होली का त्यौहार है सबसे संपन्न हो गया, तो आज पुलिसकर्मी अपने यहाँ पर आज अपना होली मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जनता ने बहुत सहयोग किया और हमारे पुलिस ऑफिसर सब अपनी ड्यूटी पर लगे थे, मजिस्ट्रेट सब लगे थे। होली बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दमय वातावरण संपन्न हुई है। आज पुलिस लाइन में होली का नज़ारा आप देख ही रहे हैं, परंपरागत रूप से होली मनाते हैं पुलिस ऑफिसर, हम लोग भी। उत्तराखंड के सीएम के नाम को लेकर सूत्रों ने अहम दावा किया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दोबारा से सत्ता में वापसी की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में सीएम के नाम के लिए मंथन जारी है। सूत्रों का यह दावा है कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम का चेहरा घोषित किया था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद गई थी। पुष्कर सिंह धामी से पहले सत्ता की बागडोर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत ने संभाली थी। पार्टी ने धामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हुए चुनाव लड़ा और जीत मिली, लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन विधायकों ने धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफे की पेशकश की है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ दिनों पहले दिल्ली में बैठक हुई थी। हार के बावजूद उत्तराखंड में भाजपा की शानदार जीत के लिए कई पार्टी नेता धामी को श्रेय देते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री के मनपसंद चेहरों की लिस्ट में धामी हमेशा विकल्प रहे। अगर पार्टी धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े असंतोष की आशंका को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह को उत्तराखंड का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते के शुरू में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नाम साफ हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 22 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट की तरह आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का उत्तराखंड के सभी जिलों और मंडलों में एलईडी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी जिला एवं मंडल इकाइयों के पदाधिकारी स्थानीय नेताओं को दी जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट जनता टीवी। और अब बात शपथ ग्रहण की, जिसकी जोरदार तैयारियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की, लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना है। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे तय किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। तो इस पूरी सूची में कई दिग्गज पहुंचेंगे और ये वो वीवीआईपी गेस्ट जो कि शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी, अनुराग ठाकुर, साथ साथ पीएम मोदी खुद यहां पहुंचेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह और विपक्ष के भी कुछ नेता शामिल होंगे। करीब 20 साल बाद उत्तर प्रदेश अब एक और इतिहास रचने की ओर है, जहां पर योगी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है और इसी इकाना स्टेडियम में 6 दिन बाद यह इतिहास रचा जाएगा। यहां पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है। कई बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, केंद्र के मंत्री सब यहां पहुंचेंगे। और इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी न्योता दिया गया है। देखना होगा कि उनमें से कौन से नेता इस शपथ ग्रहण में शामिल होते हैं। लेकिन ये पहला आयोजन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा शपथ ग्रहण होने जा रहा है जिसमें नेताओं के अलावा आम जन को भी बुलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें जो लाभार्थी रहे उत्तर प्रदेश के, उनको भी मौका दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण का हिस्सा बने वो। और इस स्टेडियम की खासियत है कि 50,000 ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। इसके अलावा जो मैदान है उसमें भी जो मंच सजेगा वहां पर करीब 20,000 आदमी बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं 70,000 लोग गवाह होंगे इस शपथ ग्रहण के 2.0 के, योगी आदित्यनाथ की जो 2.0 सरकार चलने जा रही है ये उसके गवाह बनेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काना स्टेडियम की हैं, जहां पर तैयारियां काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं और 6 दिन बाद यहां पर आयोजन होना है। कई अधिकारी लगातार यहां पर आवाजाही बनाए हुए हैं, यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। नवनीत सहगल यहां पर भी कुछ देर पहुंचने वाले हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं। हर घंटे पे पूछा जा रहा है अधिकारियों से कि तैयारियों का क्या हाल है। और इसके अलावा जो अमित शाह हैं वो भी माना जा रहा है कि 21 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे और कैबिनेट में कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं उसको लेकर मंथन करेंगे। माना जा रहा है कि 2 ऐसे पुलिस अफसर हैं जो माननीय हो चुके हैं उनको मौका दिया जाएगा और कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें दयाशंकर सिंह और शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नाम हैं जिनको पहली बार मौका मिलेगा जो योगी सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। 25 से ज्यादा लोग यहां पर शपथ लेंगे, जिसमें राज्य और कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और उसके बाद तय होगा कि उनको कौन से विभाग दिए जाएं। तो फिलहाल तैयारियों को जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है और देखना होगा कि कब ये शपथ ग्रहण का जो मंच सजता है उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तोखर के दोई, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।